आप बताइए, आप अपने घर पहुंचे तो आपको कैसा महसूस हो रहा है? इतनी बहुत खुशी हो रही है, मैं अपने जल्दी घर पहुंच गया हूँ। तो आपको मजा आ रहा है घर पर? हाँ। क्या कर रहे हो आप घर पे? खेल रहा हूँ अपने पुराने खिलौनों से। कुछ कुछ नए खिलौनों से, कुछ कुछ पुराने खिलौनों से। और मैं बताना चाहता हूँ, रिया बॉय का नाम इतने इंडिया में फेमस होता है, सब लोग जान जाते, कुछ कुछ लोग जानते, कुछ कुछ लोग नहीं जानते। मैं उनको अपना नाम बताता हूँ और अपना एड्रेस देता हूँ कि मैं एक बॉय हूँ। Hold me close till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. वेलकम बैक टू माई चैनल। तो दोस्तों, आज है 9 जुलाई और कल हम लोग घर पे आए थे। तो कल जैसा कि मैंने ब्लॉग बनाया था, आप लोगों ने देखा होगा, तो इस समय जो है मैं जो है आ गई हूँ अपने छत पर घूमने। और हम लोग घर में भी होम क्वारंटाइन हो रखे हैं, क्योंकि हमारा जो क्वारंटाइन था जयपुर का, वो आप लोग को पता ही है कि सिर्फ 7 डेज़ का था। और जो क्वारंटाइन का एक रूल होता है वो 14-15 डेज़ का है। तो हमने कहा चलो ये रूल भी फॉलो कर लेते हैं, और बच्चों के साथ होते हैं तो सारे रूल्स फॉलो करने भी चाहिए। तो इसलिए जो है हमने रूल्स फॉलो कर किया है। घर में आने के बाद भी हम लोग जो है किसी भी चीज़ को हाथ नहीं लगा रहे हैं, कुछ भी टच नहीं कर रहे हैं, मोना से सामने से बात नहीं कर रहे हैं। और टॉयलेट वगैरह जाते हैं तो मास्क लगा कर अपने कमरे से निकलते हैं, तो जितना हो सकता है वो हम लोग फॉलो कर रहे हैं। साथ ही खाना वाना खा रहे हैं तो डिस्पोजेबल प्लेट में, और खाकर मैं पीछे जाकर डस्टबिन में डालकर आ जाती हूँ, या हम लोग फेंक ही देते हैं पॉलीथीन में करके बाहर। तो जितना हो सकता उतना कर रहे हैं। और अभी छत पर आए तो क्योंकि मन गड़बड़ा गया था, रूम में बैठे बैठे, होटल में भी रहे रूम में, दीदी के घर भी थी तो भी वहाँ भी मतलब फ्लैट में ही रहना होता था, ना छत पे जाना ना कहीं और जाना, तो एकदम जी उब सा गया था। तो हमने कहा चलो यहाँ पर छत है, छत पे जाते हैं और छत पे चल के बैठते हैं, थोड़ा सा मूड फ्रेश हो जाता है। और हालाँकि अभी धूप है पर फिर भी मैं छत पर आ गई, और इतने टाइम बाद छत पर आने का सुकून आप लोग समझ ही सकते होंगे मुझे कैसा लग रहा है, क्योंकि घर पहुंचने की फीलिंग भी बड़ी अच्छी सी थी, बड़ी प्यारी सी थी। तो इसी तरह की फीलिंग अभी छत पर आकर हो रही है। और दिया ने आते ही अपनी साइकिल निकलवा ली, तो मैंने उसको उसकी साइकिल पोंछ कर दे दी, और ये भी टहल रहे हैं, अपना कुछ कुछ काम कर रहे हैं। मोना को हम लोग साथ लेकर नहीं आए, सिर्फ इसी वजह से कि वो अभी आने पर चिपकेगी, तो दीदी को बोल दिया कि हम लोग जा रहे हैं, और जब यहाँ से नीचे जाएंगे तो मतलब हम लोगों ने कहीं किसी कुंडे को नहीं छुआ, कहीं कुछ भी नहीं छुआ। और सैनिटाइज़र हम लोग अपने साथ रखते हैं स्प्रे वाला, अगर हमारा हाथ कहीं टच होता भी है तो हम फटाफट से उस चीज़ को सैनिटाइज़ कर देते हैं। तो इस कुछ इस तरीके का प्रिकॉशंस रख रहे हैं। दीदी चाय नाश्ता खाना जो है देना होता है तो कमरा खटखटा देती हैं और हम लोग खोल कर निकाल लेते हैं। साथ ही जो मेरे सामान की अनपैकिंग थी वो भी हमने करनी शुरू कर दी है, तो थोड़ी थोड़ी सी करी है। जो दुबई से हमने शॉपिंग करी थी वो चीज़ें मैंने दिया के रूम में रख दी, क्योंकि दिया के रूम में भी कोई नहीं आता जाता, तो दीदी को बोलकर रखा है कि उस रूम में मत जाना, ना ही मोना को जाने देना। तो दिया के रूम में बेड पर सारी चीज़ें फैला दी हैं, बहुत सारी चीज़ें शॉपिंग करके लाई हूँ मैं, और आप लोग को भी दिखाऊंगी अपनी शॉपिंग। तो आधा बेड भर गया है, हालांकि छोटी छोटी चीज़ें हैं, ऐसा कुछ बड़ा आइटम मैं नहीं लेकर आई थी। बड़ा आइटम है, मैं सिर्फ ये गिम्बल ली थी मैंने, जिससे मैं अभी इस टाइम पर ब्लॉगिंग कर रही हूँ, और छोटी छोटी चीज़ें लेकर आई थी, दिखाऊंगी आप लोगों के साथ, शेयर करूँगी। थोड़ा सा इस क्वारंटाइन से निकल जाऊँ, फिर मैं शॉपिंग का भी ब्लॉग बनाऊँगी, दुबई शॉपिंग का। और बाकी कुछ कपड़े थे वो जो कुछ धुलने में डाल दिए, और कुछ कपड़े धुले हुए थे वो रख दिए हैं। साथ ही आप लोग को पता ही है कि हमारा कुछ सामान कार्गो से आ रहा है, एक बड़ा VIP भर के, तो वो हो सकता है इस मंथ के लास्ट तक या मंथ के शुरू तक आ जाए, 1 तारीख या 2 तारीख तक। तो कुछ मतलब बहुत ज़्यादा कपड़े तो उसी में हैं, तो वो कपड़े जब आएँगे तो उनको वापस से धुलना वुलना पड़ेगा।
अभी हम लोग अपने हिसाब से शॉपिंग वाला सामान ज़्यादा लेकर आए थे, और कुछ ऊपरी चीज़ें होती हैं जैसे कॉस्मेटिक्स, दवाइयाँ वगैरह या कुछ और भी सामान जो होता है बच्चों के। तो कुछ इस तरीके से है सीन। और अभी आप देख रहे हैं मेरे फेस पे धूप पड़ रही है, रिया पीछे साइकिल चला रही हैं, रिया के पापा टहल रहे हैं, तो बस ये सारी चीज़ें चल रही हैं। ठीक है, तो मेरे हस्बैंड नीचे जा रहे थे तो वो इशारा कर रहे थे मुझे, और अच्छा लग रहा है टहलने में। छत के चारों ओर देख रही हूँ तो काफ़ी कुछ चीज़ें चेंज नज़र आ रही हैं। बगल में एक घर है जहाँ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। तो इस तरीके से है, मतलब हम लोग जैसा अपनी सिटी को छोड़ कर गए थे वैसे ही रूप में हमें हमारी सिटी मिली है। कुछ भी बहुत ज़्यादा चेंज नहीं है, और बस ये है कि हाँ लोग मास्क में दिख रहे हैं पर भीड़ कम नहीं है, रोड पे लोग दिख रहे हैं। हम लोग जब कल आ रहे थे गाड़ी से घर तो रोड पे बहुत सारे लोग थे, सारी सब्जियों के शॉप्स थे, फ्रूट शॉप्स, मतलब सारी कुछ ही खुली चीज़ें खुली हुई थी। कुछ भी अंतर नहीं था, ऐसा नहीं लग रहा था कि हम लोग कोरोना के टाइम पर हैं। तो अच्छी फीलिंग आ रही है। और दुबई में हम लोग जहाँ कहीं भी निकलते थे हर कोई मास्क में, या फिर भीड़ कम दिखती थी। सुपर मार्केट में भीड़ होती थी पर ऐसे बिल्डिंग्स वगैरह में भीड़ कम दिखती थी। यहाँ पे अच्छा लग रहा है, बहुत सुकून मिल रहा है, अपने घर में हूँ। हाँ, किचन में नहीं गई मैं, हमने जो है मंदिर में जाकर मम्मी के दर्शन कर लिए, माता रानी को हाथ जोड़ लिया। पर अभी मैं घर के किचन में नहीं गई हूँ इसीलिए कि चीज़ें टच होंगी, फिर कोई मतलब नहीं है इस आइसोलेशन का। अगर हम क्वारंटाइन का पालन कर रहे हैं तो तरीके से करना चाहिए, मेरा मानना ये होता है। और अभी हम लोगों को यहाँ पर सेकेंड डे है, तो 7 डेज़ वहाँ, और ये मतलब 9 डेज़ हमारे कम्प्लीट हो गए। अब कुल मिला के 5 से 6 दिन और बचे हैं, तो 5 से 6 दिन भी ये आसानी से निकाल लेंगे हम लोग। रूम में बैठे बैठे मैं अपना काम भी करती रहती हूँ, वीडियोस भी एडिट कर लेती हूँ, और बाकी कुछ कुछ आपको पता ही है, जैसा मैंने बताया अनपैकिंग चल रही है, तो बैग्स वगैरह की कर ली है, और कुछ और सामान है जो रूम में पहले से बिखरे थे उन चीज़ों को भी करना है। और आज मैंने बड़ी बिंदी लगाई है, आप लोग का भी ध्यान गया होगा, तो मैंने अपनी चीज़ों में से निकाल कर जो चीज़ें मैं लेकर नहीं गई थी तो यहाँ पर बड़ी बिंदी रखी थी। बहुत दिन बाद मुझे शौक लग गया बड़ी बिंदी लगाने का, और अपनी वो लिपस्टिक जो मैं लेकर नहीं गई थी, साथ ही कुर्ता बहुत दिन बाद पहना, और जो दुबई में कपड़े लेकर गई थी उनसे उनको पहन पहन के मैं बोर हो गई थी। और मेरा कब से दिल चाह रहा था कि मैं अपने अलमीरा के कपड़ों को निकालूं उनको पहनूं, ये वाली फीलिंग हो रही थी। तो आज हमने जो है अपना जो रूम के साथ लगा हुआ मेरा बाथरूम है वो हमने क्लीन किया, क्योंकि उसमें चूहे वगैरह घुस गए थे, बहुत ज़्यादा गंदगी कर दी थी। चूहों ने पानी की जो नाली थी उसकी जाली को हटा कर पूरे अंदर आ गए थे और बहुत ज़्यादा गंदगी मचा कर रखी थी। तो वो टॉयलेट साफ़ किया, साथ ही मतलब बाथरूम साफ़ किया, साथ ही मैंने अपना जो मेरा जो पर्सनल टॉयलेट है वो साफ़ किया। तो कुछ इस तरीके से किया। रूम की सफाई अभी बाकी है, रूम की सफाई कल करूँगी, पहले सारा सामान अनपैक कर दूँ, ये सब करूँगी। तो मैंने कहा आप लोगों से बातें कर लेते हैं, थोड़ा सा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ छत पर जाकर, और दिया को भी थोड़ा घुमा देते हैं, क्योंकि वो भी ऐसे जो है कमरे में बैठे बैठे कितना कार्टून देखे। तो मैंने अभी अपना ब्लॉग एडिट किया और अपलोड भी हो गया, और उसको शेड्यूल में भी हमने लगा दिया। फिर मैंने इनसे बोला कि चलो ऊपर चलते हैं। और दोपहर में आज मैंने लंच नहीं किया, दीदी ने बनाई थी दाल और भिंडी की सब्ज़ी, पर सुबह नाश्ता लेट किया, जैसा कि आपको क्लिप में दिखाया था चने बनाए थे, तो मैंने चने लेट खाए, बाद में रोटी से भी खा लिए, सुबह नाश्ते में भी सिंपल चने खा लिए थे, तो हमारा लंच रह गया। मैंने दीदी को बोला आम काट कर दे दो, क्योंकि इस सीज़न का जो है पहला आम था जो हम यहाँ आकर खाए। दुबई में भी आम मिलता था पर ऐसे काट कर नहीं खाया था, इसलिए जो है बहुत इच्छा हो रही थी कि आम को काट कर खाया जाए। तो हमने इन्होंने दिया ने सब ने मतलब दीदी ने आम काट कर दिया, तो हमने आम मैंने लंच में आम ही खा लिए, 2 आम खा लिए, तो मेरा पेट भर गया। और अभी शाम को चाय पी, भुट्टे लेकर जो मैं आई थी कल रास्ते में से, दीदी को बोला वो भी सेक दो, भुट्टे खाए तो बड़ा अच्छा लगा, देसी देसी चीज़ें खा कर अपनी कंट्री में आने के बाद देसी चीज़ें दिखती हैं कि हम क्या क्या खा सकते हैं। दिया की चीज़ें निकल रही हैं, दिया अपनी सारी चीज़ों को यूज़ कर रही हैं, पुरानी पुरानी चीज़ों को, क्या है बेटा रख दो यहीं। तो कुछ यूँ सीन है, तो बड़ा अच्छा लगा आज देसी, मतलब साल भर के बाद भुट्टा खाया, साल भर के बाद आम खाया, तो बड़ा मज़ा आया, दिया को भी मज़ा आया, और यहाँ के आम का टेस्ट भी अलग होता है। तो मैंने कहा चलो सीजन जाने से पहले हम लोग वापस आ गए हैं, तो जब तक चीज़ें हैं मिल रही हैं वो लेकर खा लेते हैं, ऐसा ना अफसोस रह जाए कि ये लेकर नहीं खा पाए, वो लेकर नहीं खा पाए। और हम लोग नहीं थे तो दीदी लोग भी मतलब उतनी ज़्यादा चीज़ें नहीं खा पाती थी, होम डिलीवरी में जो चीज़ें आ जाती थी वो आ जाती थी, या कभी मामी भैया ला के सामान पहुँचा देते थे। तो कुछ यूँ चल रहा था यहाँ का भी सीन, और हम लोग के आने से इन लोग को भी अच्छा लग रहा है, मोना को भी चेंज हो गया बहुत दिन बाद, तो होता ही है बच्चों को लगाव होता है। अभी मोना नीचे है, उसको समझा कर आए हैं कि हम लोग ऊपर जा रहे हैं कुछ काम से, फिर अभी आएंगे, तो मोना इंतज़ार कर रही होगी नीचे, तो यहाँ थोड़ी देर हम लोग रहेंगे, आधे घंटा और टहलूँगी, उसके बाद नीचे जाऊँगी, देखते हैं शाम को क्या करना है क्या नहीं करना है। रूम में जाऊँगी वापस से वही रूटीन, थोड़ा सा सामान वामान निकालूँगी, तो
तो चलिए दोस्तों, मिलती हूँ आप लोगों से थोड़ी देर के बाद। Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left. The storms we chase are leading us, and love is all we'll ever trust. Yeah, no, I don't wanna waste what's left. And on we'll go through the wastelands, through the highways, till my shadow turns to sun rays. And on we'll go through the wastelands, through the highways. And on we'll go. Through the highways, till my shadow turns to sun rays. And